लेकिन ये सरकार कुछ पूंजीपतियों के हाथों में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बेचना चाहती है। उनका जो आपने अभी प्रेस रिलीज के बारे में पूछा, वो सरकार सिर्फ गुमराह करना चाहती है, वो प्राइवेट करके, पहले निगमीकरण करके उसको प्राइवेटाइजेशन के रास्ते पे ढकेलना चाहती है, जैसे एयर इंडिया, BSNL और इस तरह का को लेकर के उन लोग के ऊपर छोड़ करके उसको फिर उनकी सैलरी तक नहीं मिल रही है, इस परिस्थितियों में लाके हमें खड़ा करना चाहती है। हड़ताल का हमारा एक ही मुद्दा है, निगमीकरण। हम सब चाहते हैं कि जो निगमीकरण की फाइल है वो वापस हो, और सरकार ये कहे, रक्षा मंत्री ये कहे कि जो ये भी सभी आयुध निर्माण है इनका कोई निगमीकरण नहीं होगा, और भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये सभी आयुध निर्माण रहेगी। हम कोई आम सामान तो बनाते नहीं, एमुनेशन आइटम हमारा है जो कि DRDO द्वारा हमें उपलब्ध कराया जाता है, ड्राइंग और टेक्नोलॉजी, उसके आधार पर हम लोग अपना उत्पाद बनाते हैं। DRDO मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है हमारा, और पूरे ऑल ओवर इंडिया में 41 ऑनर्स फैक्ट्रियाँ, लगभग 218 साल का इतिहास, और 4 बार के युद्ध में ऑनर्स फैक्ट्रियों ने अपनी अहम भूमिका निभाई, और इसी के अंतर्गत इसको चौथा स्तंभ देश की सुरक्षा के लिए बोला गया। लेकिन सरकार ने क्या किया, कुछ दिनों पहले प्राइवेट को जो लाइसेंस दिया उसमें हमारा बजट जो है 6,000 करोड़ का उन्होंने काट दिया, और ये काटने के बाद 17 में इन्होंने काट करके प्राइवेट संस्थानों को, जिसको मैंने आपको बताया कि 216 लाइसेंस पहले इशू करा, 444 लाइसेंस इन्होंने अभी इशू करा है, और उन लोगों को इस बजट को उन्होंने काम देने के लिए किया। दूसरी बात आपको बताना चाहेंगे, जो हमारे यहाँ आर्मी में हम लोग जो प्रोडक्ट बनाते हैं, लगभग अगर 100% कोई सरकार जो काम करती है आर्मी का जो प्रोडक्ट मंगाती है, तो 70% आज भी बाहर से मंगाया जाता है, 30-35% ही प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं। लेकिन जब संसद में जब इस बात को उठा था कि हम लोग को इस 70% को के लिए हम लोग को बाहर से लोगों का देना चाहिए लाइसेंस, लेकिन उन्होंने इसमें FDI जो पहले पिछली गवर्नमेंट ने 26% किया था, इन्होंने 100% FDI लागू करा। 100% FDI में इनको आदमी तो कोई नहीं मिला बाहर से, हमारे ही जो इंडिया के अंदर में जो लोग काम करते हैं, पूंजीपति संस्थान वर्ग है, उनको उन्होंने उस 70% में जो आयात हम करते हैं माल, उसके ऊपर में इन्होंने लाइसेंस नहीं दिया, उसके ऊपर उन्होंने काम करना नहीं शुरू किया। जो हम 30-35% प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें उन्होंने लाइसेंस लिया, और उसमें वो हमारे प्रतिस्पर्धा करने के लिए टेंडर प्रोसीजर में हमको शामिल करने का काम किया उन्होंने। जमीन पर नज़र ज़्यादातर फोकस है, बाकी टेक्नोलॉजी की बात रही, पिछले पुरानी टेक्नोलॉजी पे हम काम कर रहे हैं यहाँ। ऐसा कोई काम सरकार ने जिस दिन से ये 2014 से आई है कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं लाएंगे जिससे कहते हैं मेकिंग इंडिया। मेकिंग इंडिया तो तब होगा जब टेक्नोलॉजी बढ़ावा देंगे। DRDO उसका बजट काट दिया, उसको कम कर रहे हैं। जो टेक्नोलॉजी कहाँ से पैदा होगी, यहीं से पैदा होगी। दुनिया के कुछ देश आज अपनी टेक्नोलॉजी से कमा खा रहे हैं और वर्ल्ड लेवल पर वे नंबर वन बने हुए हैं, मगर हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है। क्यों ये सरकारें ऐसा नहीं करती, चाहे कांग्रेस रही हो चाहे BJP रही हो, इनकी नीति अलग है। ज़्यादातर जो डिफेंस का सामान है बाहर से खरीदो, और बाहर से जो पैसा वहाँ से कमीशन के रूप में आ रहा है उसे बाहर के बाहर ही रखो। जो कोर और नॉन कोर की इन्होंने पॉलिसी अपनाई है, जिससे हमारे रक्षा बजट में भी जो है कमी आई है। और मैं कहना चाहूँगा कि आज जो सरकार की नीयत है निगमीकरण करने की, उसमें जो है वो बोलती है कि हम जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे। मैं उन सरकार से जो है कहना चाहूँगा कि पिछले 218 साल से हम जो ब्रिटिश सरकार ने हमें यहाँ पर ड्राइंग दी थी, उसी पुराने ढर्रे पर हम कार्य करते चले आ रहे हैं। और मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि हमारी अगर फैक्ट्रियों पर भी उन्होंने जो है ध्यान दिया जाता, और नई मशीनरी आती या नई टेक्नोलॉजी आती, तो आज हम जो है अपनी प्रोडक्टिविटी वर्ल्ड लेवल पे लाकर खड़े कर देते। हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है, हमारे यहाँ एरियल बम बनते हैं, जिसको बताया भाई साहब ने, कारगिल हीरो जिस हम लोगों ने लड़ाई रहा था, 1000 LBS है, 450 है आपका, 250 का बम बनता है, टैंक का चैन जो हमारा T-90 और T-72 का जो टैंक है उसका चैन बनता है हमारे यहाँ। चैन की भी कहानी बहुत अलग है, पहले चैन हमारे यहाँ नहीं था, इस मुरादनगर ने इसको डेवलप करा। सबसे पहले हम लोग रसिया से इम्पोर्ट करते थे चैन, जिसका रेट होता था 80 लाख रुपये, 80 लाख रेट था। जब हम लोगों ने बनाना चालू करा तो उसी को बनाते बनाते हम लोग उसको 50 लाख 55 लाख पे आज के डेट में 45 लाख रुपये में हम लोग ले आए हैं।
और हम लोग 45 लाख में बना दे रहे हैं। लेकिन ये सरकार जो है हम लोग के ऊपर भी दबाव डाल करके जो हमारे पास ड्राइंग है वो प्राइवेट संस्थान को देने के लिए कह रही है कि आप उन्हें दो वो बनाने बनाएंगे। वो कहते हैं हमारे पास उनके पास कोई ओवरहेड नहीं रखते हैं, उनके पास ना कोई घर देना है, ना उनको हॉस्पिटल फैसिलिटी देना, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं देना, किसी तरह का नहीं देना है। उसके बाद वो डेवलप करके वो कहते हैं हम 20 लाख 25 लाख में देंगे। तो जब सरकारी संस्था है हम लोग काम करने को तैयार है, हमारे क्वालिटी में कहीं कमी नहीं। जब हमारा टेस्टिंग होता है तो हमारा कई हज़ार किलोमीटर तक चलने के बाद भी हमारा नहीं टूटा और उनका कई जगह उन्होंने बनाया और उनके टूट गए। इस तरह का प्रोसीजर उन्होंने अपनाया और आज की स्थिति अगर टेंडर प्रोसीजर में हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे काम का लॉस होना है, कहीं ना कहीं घाटा होना है। इससे पहले श्री जाट फर्नांडिस रक्षा मंत्री रहे, उन्होंने भी, फिर मनोहर पर्रिकर जी ने भी, फिर श्री ए के एंटी जी ने भी बार बार फेडरेशन के लीडरों को लिखित में आश्वासन दिया कि हम इसका कॉर्पोराइजेशन नहीं करेंगे। लेकिन बार बार ये बात आती है कि इसको निगम बनाओ, इसको डिवाइड कर दो, जिससे कि जो उद्योगपति हैं आराम से इन ज़मीनों का इस्तेमाल कर सकें अपने लाभ कमाने के लिए। सरकार की जो नीति है, जो देश के कहना कुछ और है और करना कुछ और है, किसान विरोधी मजदूर विरोधी रही है। अब ये खुल्लम पता लगने लगा लोगों को कि भाई हम जो है इतने लोगों को रोज़गार देंगे, रोज़गार वगैरह तो कुछ दे नहीं रहे हैं, मगर रोज़गार छीन रहे हैं। और उनका नीति और है कि जो संविधान में कुछ लोगों को हक अधिकार मिले हुए हैं, जब उनका प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो उनके हक अधिकार अपना भी छीन जाएंगे। जितना भी हो रहा है ये बहुत शर्मनाक की बात है। ये इतना बड़ा राजपाट चलाते हुए इतना बड़ा चल रहा है इनका धोखा, पब्लिक के साथ धोखा चल रहा है, सबका साथ और सबका साथ है, सबका विकास कर रहा है, सबका नाश सत्यानाश कर रहा है, सबका सत्यानाश विकास नहीं सत्यानाश कर रहा है। जब प्राइवेट हो जाएंगे तो बचेगा क्या? जब देश की जो सुरक्षा के हम साधन यहाँ पे बॉम्ब्स या और भी प्रोडक्ट बनाते हैं, जब वो प्राइवेट हाथ में चले जाएंगे तो सीक्रेट क्या रह जाएगा? फिर तो कोई भी बनाएगा। ये हमारे सरकार हमारे साथ गेम करना चाहती है, हमें बर्बाद करना चाहती है और पूंजीपतियों को हाथ को मजबूत करना चाहती है।